सर क्या हो रहा है? हमारे हक के लिए लड़ने जा रहे हैं, लिफ्ट सही कराने जा रहे हैं। हमारी लिफ्ट 3 महीने 4 महीने से बंद है, तो हम भी कुछ कर ले। अरे हम ऊपर शिफ्ट होने भी वाले हैं, तो फिर हमें 4th फ्लोर पे चढ़ने बहुत तो मुश्किल होगी, है ना? तो उसी लिए अभी हम चल रहे हैं, देख रहे हैं ये सारे लोग भी हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। तो हम यहाँ पे लिफ्ट सही कराने आए थे, उसकी बात करने आए थे, एंड हमने बहुत सारे लौंडे गैदर किए थे। बात करने के अलावा ये सब कर रहे हैं, मतलब ये देखो क्या कर रहे हैं अपने लौंडे भाइयों। भाइयों लिफ्ट सही करवानी है, ये क्या कर रहे हो? लिफ्ट सही करानी है, ये क्या है कार्य? लिफ्ट सही करनी है भाई, क्या कर रहे हो तुम? ये भाई हॉस्टल कैसे करेंगे शिफ्ट जब तक लिफ्ट सही नहीं होगी लिफ्ट? अरे हाँ ऐसे भी हॉस्टल कैसे कैसे करेंगे शिफ्ट जब तक सही नहीं होगी लिफ्ट? हाँ तो आज हमारी लास्ट नाइट है इस कमरे में, 4 नंबर में, एंड 4 नंबर और 4 नंबर बहुत ही अच्छा कमरा था, एंड बहुत हमने मस्तियाँ करी है इस कमरे में, एंड बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई है इस कमरे से। सो आज इस नाइट बिताई जाए एंड सब कुछ कट कर दिया जाए ये वाला। तो और देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है रूम की, एंड ऐसे ही मिलने वाला है जूनियर्स को भी, तो ऑब्वियसली मज़े करो। सो ये देखिए, हाँ ये सबसे खराब एसी था, पूरे ग्राउंड फ्लोर का सबसे खराब एसी था ये, कभी सही नहीं हो पाया। हमने 100 बार सही किया पर कभी नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी आएंगे 4 नंबर में उन इसको फेस तो कर ही लेना। हाँ 4 नंबर हमेशा से हॉट स्पॉट रहा है, कोई भी आकर यहाँ पे टपक जाता था बस। यहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट भी इस रूम पर ही हुआ, सब यहाँ पे मस्ती काटने के लिए इधर ही आते हैं। सो आज इस रूम को बाय बाय कहना पड़ रहा है, आज लास्ट नाइट है। तो चलो फिर ठीक, सुबह मिलते हैं। तो ये देखिए आज आखिरी दिन है यार, यहाँ पे सामान पैक हो रहा है अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पे आज 14 तारीख है, एंड हमें जस्ट 4 नंबर गया हमारा, ये पूरा अलमारी खाली हो रही है जूनियर्स के लिए। 4 नंबर के पर्दे भी गायब हो गए, मैं तभी कह रहा था कुछ तो अलग लग रहा है, पर्दे गायब है भाई, कैसा कितना अजीब सा लग रहा है। देखिए 4 नंबर चले जाएगा, 4 नंबर की हिस्ट्री कितनी सही करेंगे, नाचेंगे कहाँ पे। तो देखिए ये देखिए कितना साफ, मतलब उफ पका रही है। तू अभी भी सो रही है? पका रही है, तो मैंने देखा ही नहीं, ये सो रहा है यहाँ पे भाई। शिफ्टिंग करनी है, जूनियर आ जाएंगे। चल छोड़ रहे, मुझे भी अपना बोरिया बिस्तर करना है। ये अलमारी है, अलमारी मैं शायद अभी ऊपर लेके नहीं जाऊंगा, एंड क्योंकि यार 4th फ्लोर में जाना है ना, तो इसको ऊपर लेके नहीं जा सकते। डांगी शिफ्ट हो गया, अभी जाएंगे सीनियर्स, तो वो जब खाली करेंगे तब हम खाली करेंगे, एंड हम अपने जूनियर्स के लिए खाली करेंगे। सो चलो देखते हैं, अगले व्लॉग्स छोटे छोटे रूम में दिखाई देंगे। आर्को अपनी पूरी पैकिंग में लगा हुआ है, एंड चलो बढ़िया है। आर्को न्यू रूम, बंगाल टाइगर भाई 4 नंबर से टाइगर नए रूम में घुसेगा, बंगाली टाइगर। तो आर्को की अलमारी है खाली हो चुकी है, एंड मैंने हाँ, एंड मैंने पूरे साल तक आर्को की अलमारी कभी नहीं देखी थी, एंड आज आर्को एक बार खोल के दिखा दे यार, लास्ट खाली, अब खाली हो गई, कभी इसने मेरे को अपनी अलमारी नहीं दिखाई, अभी भी नहीं खोलेगा वो। तो हम सभी आपसी सहमति से एक सेम फ्लोर पे जा रहे हैं, जो ऊपर वाले फ्लोर पे, एंड सेम फ्लोर पे हम सबने डिसाइड किया था। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला था कि नहीं हम सेम फ्लोर पे नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दगा वगा नहीं दिया गया है किसी को, ऐसा कोई दगा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि ना हमारे फ्लोर पे बहुत ज्यादा मस्ती होती है, एंड सब 4 नंबर रूम में आ जाते हैं, इनका भी 5 सीटर रूम है, तो नया रूम भी 4 नंबर जैसा हो जाएगा। टेरेस फ्लोर पे रूम होना चाहिए हमारे भाइयों का, भाई कुछ नहीं पड़ रहा, इनको लगा कि ना 4 नंबर जैसा बन जाएगा ऊपर वाला रूम जिसमें मस्ती होती है। क्या क्या प्राइवेसी चाहिए अपनी बंदियों से, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ग्राउंड फ्लोर छोड़ते हुए, क्योंकि ये मतलब बढ़िया वाइब थी यहाँ की 4th फ्लोर पे, और को अभी पंखे निकालने वाला है। पखारिया उठी गया तू आखिरकार, चिराग तू यही रुक जा, बुरा लग रहा है चिराग, इतना बुरा लग रहा था, यही रुक जा, बुरा लग रहा है, ये लोग बोल नहीं रहे। बहुत आसान है एक्चुअली रुकना यार, हाँ बहुत लो जाओ। चिराग बैठ जाना 5 मिनट।
जल्दी ग्राउंड फ्लोर से, जो कि ये फ्लोर है, हम ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं वहाँ पे। सो अभी जल्दी से हम करते हैं शिफ्टिंग। तो ये आ गए हम ऊपर वाले फ्लोर पे, एंड ये हमारा नया फ्लोर होने वाला है। और यहाँ पे हमें मिली है फ्री बालकनी। और ये बालकनी तो भैया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है बालकनी भाई, पूरे ही मर जाएंगे भाई। तो ये हमें फ्री बालकनी मिली है यहाँ पे इस फ्लोर के साथ ही साथ, एंड सही है, बढ़िया है। एंड यहाँ से थोड़े नज़ारे भी मिलते हैं हर चीज़ के, एंड बढ़िया ही है। अभी हम यहाँ पे बस पार्टी शार्टी कर सकते हैं। भाई पार्टी शार्टी कैसे करेंगे भाई, ये देख रहे हैं ज़रा सा, ये नीचे गिर जाएगा यहाँ से। चलो कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं, देख लेंगे हम, सह लेंगे। एंड अभी हमारी शिफ्टिंग चली रही है, थर्ड ईयर के भी अभी शिफ्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, हम भी कर सेकंड ईयर की कर रहे हैं, फिर हम भी कर रहे हैं। मुझे तो, नहीं जाना भाई, मेरा एक तो छोड़ गए। यार बढ़िया था यार, पर चलो जाना ही पड़ेगा फोर्स। तो अभी हम करते हैं जल्दी से शिफ्ट, एंड सही है मौसम भी सही हो रहा है। तो ये हमारा नया रूम रहने वाला है, अभी बहुत ही गंदा हो रखा है क्योंकि अभी सीनियर्स ने इसे खाली किया है। एंड ये 3 सीटर रूम रहने वाला है, यहाँ पे एक बेड, वहाँ पे एक बेड, एंड वहाँ पे एक बेड। एंड हम ये सोच रहे हैं हम तो अपनी 3 अलमारी कैसे फिट करने वाले हैं, सो ये भी एक रहेगा। एंड भाई देख सकते हो बहुत ही गंदा हो रखा है अभी, एंड नाइस नाइस नाइस। तो ये रहा हमारा, ये एसी भी मिलता है, प्रीमियम एसी। सो पखारिया, हो रही है शिफ्टिंग, कैसी लग रही है? बढ़िया बढ़िया चल रहा है अभी तक, तो बस जल्दी से सेटल हो जाए तो अच्छा लगेगा। हाँ, और हम रूममेट्स तो नहीं होने वाले। एंड तो किसके साथ रूम शेयर कर रहे हैं? देखते हैं, ऐसे तो शुरू नहीं होता उस बंदे का नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कोई नहीं, मतलब अच्छे अच्छे लोग ही होंगे जो भी होंगे। कितना सीटर है ये तो बता ना, ये भी नहीं बताएंगे। 4, 5, 6, 7, 8 बहुत हो, कुछ भी हो सकता है। एंड अभी हम देख रहे हैं शिफ्टिंग चल रही है, देख सकते हैं एंड सबका हाल कैसा हो रखा है। सबने अपने कपड़े बांधना शुरू कर दिए हैं, एंड हमने भी सीनियर्स के कपड़े वो भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। हमने अपना तो किया नहीं है, उनका कर रहे हैं पहले। तो ये सब कुछ होते हैं, पर्क्स होते हैं फर्स्ट ईयर होने के। सो कोई नहीं कोई नहीं, अभी तो अपने यू नो, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो ये रहा हमारा रूम, देख सकते हैं पहले कैसा था एंड अब कैसा हो चुका है। ये देखिए पूरा साफ अभी हमने करवा दिया है, और अब तो फ्लोर भी बहुत चमक रहा है, तो बढ़िया ही है। अभी यहाँ गद्दे वद्दे लगाएंगे, सब कुछ सही करेंगे, एंड अभी भी बहुत उसकी ज़रूरत है, साफ सफाई की तो ज़रूरत ही है। एंड ये सारा कूड़ा देखिए यहाँ पे बाहर आ गया हेरा। और अच्छी बात, बाकी सारे 3 सीटर्स में सीलन आ रखी है, एंड वहाँ की पपड़ियाँ टूट रखी हैं यहाँ साइड साइड के कोने कोने की, बट लकीली हमारा ऐसा कुछ नहीं है, सो ये भी अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो आगे खैर इन सब ने भी रूम शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और पवित्र कहाँ भाग रहा है भाई, मैं आउट ऑफ वो था वीडियो में तो यार। अच्छा वीडियो में नहीं आना चाहता तू? आप ये सबकी पैकिंग शुरू हो रही है, और प्रेम जैसे शिफ्ट हो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? देख कितना सारा सामान है, अब तुमने शिफ्टिंग शुरू नहीं करी है। हो जाएगा रात तक, तो कल जूनियर्स आ जाएंगे, और लिफ्ट भी खराब हो रखा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ तो अभी इतने अच्छे उसमें क्यों नहीं है, जोश में बोलना, क्या हो गया? सो के उठा या फिर कुछ और बात है? कुछ और बात नहीं है ना, ठीक है कोई नहीं। कभी कभी दिल का दर्द होता है तो अपने तक ही रहना चाहिए, सबको पता नहीं चलना चाहिए, एक्सपीरियंस लोग बताते हैं। पूरी शिफ्टिंग कर रहे हैं, रूम शिफ्ट करने का बहुत प्यारा रूम था, है ना यार, हमको भी मन नहीं है। ग्राउंड फ्लोर यार सबसे सेक्सी लग रहा है ना, मजा आता था यार, सब साथ में ऐसे रूम आसपास थे, अब तो अलग से हो जाएंगे सारे। सब हम ऊपर जाने वाले हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं, बहुत ऊपर, ठीक है चलो ओके। आपको बता था हमें कितना ऊपर चलना पड़ेगा, ये रहा ग्राउंड फ्लोर, एंड यहाँ से हम सीढ़ियाँ चलते जा रहे हैं, 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 और हम पहुँच गए आखिरकार। उफ तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब अपने आइडियाज दे रहे हैं। एंड ये जो बेड है एंड इसकी अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये तीनों बेड इस कमरे में कैसे लगने वाले हैं, एंड हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 अलमारियाँ और आएंगी इस साइड में, एंड एक यहाँ पे पहले से ही है, एंड यहाँ पे फ्रिज है, एंड 2 टेबल है, एक टेबल है वहाँ बाहर रखी हुई है। सो अभी देखेंगे हम क्या करेंगे। स्टडी
चेयर भी आएगी, एक स्टडी चेयर भी आएगी। तो ये कमरा बहुत ही छोटा लगने लग गया है, पर हम देखते हैं क्या होता है एंड इसको सब करने के बाद आपको दिखाते क्या। सो हम थोड़े से ऊपर, अब हम छत में आ चुके हैं एंड ये रही छत धन्वंतरी की एंड ये भी थोड़ी बड़ी छत है, माहौल आता है, व्यू आता है, तो वो भी ठीक है। तो मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिमान हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब मेरे ये वाले हाथ का खेल है, ये सब तो मैं यूं कर देता हूँ। क्या कर रहा है? छोड़ दे, मैं डाल दूंगा। डाल दे, क्या डाल देगा भाई, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो अभी हम बड़े निराश हो चुके हैं, अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या करे कैसे करे, बेड की सिटिंग कैसी अरेंजमेंट करना है, कमरे की सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होने वाली है। पखारियो, सब लड़के परेशान है, पलायन कर रहे हैं इधर से उधर। कुछ लोग अलमारियां चुरा रहे हैं, कुछ लोग तो टेबल कुर्सियां ले जा रहे हैं, अब हम भी ऐसे इधर उधर से लेके आ रहे हैं। हाँ, कि बिल्कुल कोने में, मतलब एक लेफ्ट साइडेड है पूरा दरवाजा, ऐसे नहीं है बीच में, पूरा लेफ्ट साइडेड हो रखा है। नहीं, कहाँ का है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था ना बीच में दरवाजा, ऐसे बीच में सेंटर पे, ये लेफ्ट में पूरा एक ही साइड है, पूरी स्पेस बेकार हो रही है उस साइड की, पता नहीं क्या हो रहा है। अपनी वीडियो के थ्रू तो वो ये उठाना चाहता है कि ऐसा ना करें, सीख ले इस चीज से। ऊपर से हमारा रूम बाकी सारे थ्री सीटर से भी छोटा है थोड़ा, तो वो शायद सावन की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें तब भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड अभी देखते हैं, फिर से फर्श वर्श सब गंदा हो चुका है एंड ये होता ही रहेगा हमेशा की तरह, बट चलो हम कोशिश करते हैं। ये अलमारी का वजन ढोया है, फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पर लाया है। हाँ, बताना नहीं होता भाई ये सारी बातें। कैमरे के पीछे आप देखिए सावन, देखिए सावन, दिखा यार पसीना, दिखा अपना मेहनत का भाई। हालत खराब हो चुकी है, अपना तो ला ही रहे हैं, सीनियर्स का भी उधर से OBH ले जा रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं हम, सबकी हेल्प तो खैर पता नहीं क्या ही है, कितनी हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा। फर्स्ट ईयर होने के और फायदे, आपको बहुत काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है जो आपकी जिंदगी में काम आती है। बैग मुझसे भी बहुत ज़्यादा भारी है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो यार बैग के नीचे वो रोलर्स इसलिए होता है थोड़ा इजी हो, रोलर्स इसलिए होता है, तो ये तो और भी भारी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या फिजिक्स लग रही है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। साफ है, प्लीज आप मत देखिएगा, मतलब हम बहुत अच्छे से रहते थे, लिटरली अच्छे से रहते थे, मतलब इसमें अजीब आ रहा है। हाँ, दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये भी इनका भी रूम खाली हो चुका है, रूम खाली होने का फायदा होगा, चप्पल मिल गया है, पता नहीं किसके पर जोड़ी के हैं, ये सही है। चलो खाली हो रहा है रूम, ये भी हम सब ऊपर ही जा रहे हैं, मेरा चार नंबर एंड अब ये पूरा खाली होते दिख रहा है, लगभग सारा खाली हो चुका है, हमने पूरा सामान रख दिया। सिद्धार्थ तो शिफ्ट हो गया है, मतलब सारा सामान उसका हो गया पैक एंड यहाँ पे भी हमारा सारा सामान पैक हो गया है, और तो फिर सबसे सही है। एंड ये देखिए इतना कूड़ा वूड़ा है, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। एंड अंश, हालत ख़राब, कुछ कहना चाहेगा? ऊपर से नीचे भाई, लेग डे हो गया हमारा, लेग डे हो गया भाई, बहुत दिनों से जिम भी नहीं गए। आकाश कुछ कहना चाहता है? आकाश ने अपना कमरा पूरा धो दिया, बहुत सही है, अरे बढ़िया है, हम भी धोएंगे, हम भी धोएंगे, भाई साफ करेंगे कमरा, आज पैसे वाले हो ना दादा। तो लगभग सारा सामान आ गया है, ये सारा हो गया, ये भी हो गया, जूते भी आ गए, अभी गद्दा लाना थोड़ा बचा हुआ है तो वो भी ले आएंगे एंड बहुत हालत ख़राब हो गई भाई, महीने भर का जिम हो गया यहीं पे। मैं अब जल्दी से नहा के सोना चाहता हूँ और कुछ पीना चाहता हूँ उसके पहले। ओके, नाइस, आखिरकार रात के 3 बज चुके हैं एंड अंश तो भाई गया, पखारिया थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि बीच में ही सो गया था, थक थक हारे। अभी इसकी चल रही है एंड ये लगभग पूरा रूम हो चुका है एंड कुछ ऐसी सिटिंग रहने वाली है, वहाँ पे मेरा बेड, यहाँ अंश का बेड एंड वहाँ पे पखारिया का बेड एंड 3 बज चुके हैं, हम कितने घंटों से अपना सामान ले जा रहे हैं, अपना तो छोड़ो पहले सीनियर का ले जा रहे हैं, वो भी बहुत दूर दूर तक ले जा रहे हैं। हाँ भाई, मतलब पूरे हाथ पैर सब टूट गए, आधे घंटे तक ना रहा था, क्या ही कर रहा था, आधे घंटे तक ना ही रहा है। और तू क्या कर रहा था फिर आधे घंटे, तू भी ना आ रहा था? मैं तो निकल गया था 15 मिनट में। आज है 15 तारीख, कल है ना, अरे ऑब्वियसली आज 15 तारीख है क्योंकि रात के 3 बज चुके हैं एंड कल से भी नहीं आज आ जाएंगे एंड वो सारे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे जो नीचे है
एंड हम यहाँ पे रहेंगे तो बढ़िया है। हमको यहीं पे खत्म कर देना चाहिए पखारिया। एनी लास्ट वर्ड्स? मैं जमा लेता हूँ पहले, फिर सो जाएंगे। हाँ, इसके बाद सो रहे भाई, बहुत थक चुके हैं। अथल, एनी लास्ट वर्ड्स? अंश, एनी लास्ट वर्ड्स? छोड़ो उसको, सोने। तो इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? एंड हम शिफ्ट कर लेते हैं, बहुत थक चुके हैं, सो जल्दी जल्दी सो भी जाते हैं। चलो ठीक है, एंड पखारी अपना शिफ्ट करता रहेगा, मैं सो जाऊंगा। चलो ठीक है, बाय।